बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। एक बार फिर से आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम कहते हैं जी दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज और पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने नया रिकॉर्ड बनाकर आगे पीछे के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए है। मोहम्मद रिजवान ने क्रिकेट के दो किंग्स बाबर आजम और विराट कोहली से भी आगे बढ़कर नया एजाज अपने नाम कर लिया है। कौन सा नया एजाज मोहम्मद रिजवान अपने नाम कर गया है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आपसे हमारी गुजारिश है कि इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमारे वीडियोस को भी स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखें जी दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने T20 क्रिकेट में एक और एजाज अपने नाम कर लिया है। न्यूज वेबसाइट प्रो पाकिस्तानी के मुताबिक मोहम्मद रिजवान 2021 के बाद सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 126 मैचेस में 51.36 के खैरकुन औसत से 5,293 रन बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान दुनिया के वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2021 के बाद इस फॉर्मेट में 5,000 रन बनाया है। दूसरे नंबर पर जोस बटलर है जिन्होंने 4,819, जबकि तीसरे नंबर पर एलेक्स हेल्स है जो 4,671 रन के साथ सरफहरिस्त है। चौथे नंबर पर बाबर आजम का नाम है जो 42.59 की औसत से 4,302 और पाँचवें नंबर पर जेम्स विंस ने 4,293 रन बनाए हैं। इस लिस्ट के मुताबिक बाबर आजम मोहम्मद रिजवान से काफ़ी पीछे है, जबकि विराट कोहली का नाम टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल ही नहीं है। वाजह रहे है कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में ट्रॉफी के हुसूल के लिए मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं।